Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज अनदर गुड डे. तो हाँ भाई, आज हम बात करने वाले हैं पल्सर NS 200 FI के बारे में, BA6. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड कमेंट्स मेरे पास थे इस चीज़ को लेके, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो आज हम बात करने वाले पल्सर 2020 BA6 FI के बारे में कि क्या प्राइस होने वाले, क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, क्या चीज़ें चेंज हो रही, कितना पावर ड्रॉप है, कितना इंक्रीमेंट है बाइक के अंदर, सारी चीज़ें कवर करेंगे आज इसी वीडियो के अंदर. तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना. एंड भाई, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. चलो टॉपिक पे आते हैं एंड बात करते हैं इस बाइक की फीचर्स की. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में. तो इंजन आपको इस गाड़ी का मिलेगा BA6 कंप्लाइंट इंजन, इसमें आपको मिल जाएगा. और उसी के साथ साथ आपको इसमें पावर मिलने वाली है 23 BHP की, जैसे कि आपको पहले मिलती थी 23.5 BHP. तो टॉर्क भी आपको सेम मिलने वाला है 18.3 Nm. तो यहाँ पर अगर चेंज देखा जाए तो यहाँ पर आपको कार्बोरेटर नहीं मिलने वाला है, जिसकी जगह पे आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा. तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी बाइक का रिफाइनमेंट बढ़ जाएगा, एंड जो सर्दियों में दिक्कत आती थी बाइक स्टार्ट ना होने पे कार्बोरेटर में, वो इस बाइक में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है. और उसी के साथ साथ वन क्लिक स्टार्ट फीचर्स भी आपको इसमें दिया जाएगा, जैसे कि आपको KTM RC 390 और KTM Duke 390 न्यू वर्जन में मिलता था. बात करो इसके थर्ड चेंज की, तो यहाँ पे जो मीटर कंसोल है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बट उसमें भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे. उसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं, श्योरिटी है इस चीज़ की. तो यहाँ पर अगर फोर्थ चेंज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा फीचरेबल है. यहाँ पे इस बाइक में आपको स्लिपर क्लच मिल जाता है. हाँ जी, स्लिपर क्लच. और फिफ्थ चेंज जो इस बाइक में आने वाला है, वो आने वाला है न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी थी पल्सर के पास, तो इस बाइक में वो फुल्ली फील्डेड मिल जाएंगी आपको. तो अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको हेलोजन की जगह फुली LED लाइट्स मिल जाएंगी. तो जैसे कि लोगों का डाउट रहता है कि न्यू बाइक के माइलेज कितनी मिलेगी और कितनी डिक्रीज होगी, तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ क्लियरली, इस बाइक में आपको 15% माइलेज इंक्रीज मिलेगी, बढ़ जाएगी माइलेज इस बाइक में, क्योंकि जो इसकी पावर है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है. इस वजह से इसकी माइलेज आपको अच्छी मिल सकती है, जैसे कि आपको पहले 35 की माइलेज मिलती थी इस बाइक की, तो इस बाइक में आपको 36 से 38 की माइलेज आराम से मिल जाएगी. तो जहाँ तक बात करूँ मैं इस बाइक की टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड में आपको कोई चेंजेस नहीं मिल जाए. हाँ, 1-2% का चेंज मिल सकता है बिकॉज ऑफ पावर ड्रॉप. पावर थोड़ी सी कम की गई है, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी कम की गई है, तो टॉप स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है. लास्टली अगर बात करूँ इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस 10,000 से 15,000 रुपये बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका पहले प्राइस एक शोरूम प्राइस 1.14 लाख था, तो अभी इसका प्राइस 1.30 लाख तक पहुंच जाएगा, जहां तक उम्मीद है. लॉन्च के बाद ही पता लगेगा एग्जैक्टली डिटेल. तो हाँ जी, अगर इस बाइक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर मुझे मिलती है, तो उसका भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए ज़रूर पोस्ट करूँगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ.